हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए, बिकॉज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो 11th FIJC की जो एडमिशन को रोका गया था बिकॉज ऑफ, अब कुछ भी रीजन हो उसके लिए, आप तो उसके लिए कुछ गुनहगार नहीं थे, ठीक है, लेकिन एडमिशन रोका गया था। लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है एक, कि आपके एडमिशन प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया गया है। जिनका एडमिशन नहीं हुआ है लेकिन लिस्ट में नाम आया था, अब सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको कॉलेज चेंज करना है तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अभी तक फर्स्ट फॉर्म नहीं भरा है तो भी इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, FIJC स्टूडेंट महाराष्ट्र मुंबई को हो, पुणे के कोई भी रीजन के हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब देखो, मैं डायरेक्टली आपको टाइम पास ना करते हुए 11thadmission.org की वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। तो आपको सामने एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा 25th नवंबर को 11th शेड्यूल फॉर रिगार्डिंग राउंड सेकंड के लिए आपको एक अपडेट आया। उसके पहले अपडेट आया था 3rd सितंबर, मतलब सितंबर के बाद में अभी तक कुछ भी अपडेट आया नहीं था। सितंबर अक्टूबर नवंबर, मतलब 3 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट समझो, उसके बाद में ये प्रोसेस स्टार्ट किया गया। ऐसा लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ रहेगा, ये बिकॉज ऑफ COVID-19 के वजह से हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते, क्या है वो नोटिस देख लेते अभी हम लोग, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा स्टैंडर्ड 11 सेंट्रल ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस 2011। अब देखो डेट पे जरा थोड़ा सा ध्यान देना, 26th 11th 2020 डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी लिस्ट फॉर रेगुलर, मतलब कौन सी कॉलेज में अभी कितनी सीट वैकेंसी है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी 26th। टाइमिंग जरा ध्यान से सुनना, इसमें लिखा हुआ है 10 AM, ठीक है, मॉर्निंग से होगा जाएगा। फिर 26th नवंबर से लेके 1st दिसंबर, फिर से जरा ध्यान से सुनना, 26 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक आप लोग क्या क्या कर सकते हैं जरा ध्यान देना। सबसे पहली बात, अगर आपने अभी तक पार्ट वन फॉर्म नहीं भरा है तो भी भर सकते हो, आपको कॉलेज चेंज करना है तो भी कर सकते हो, आपने एडमिशन नहीं लिया था कोई भी कॉलेज में, अगर आपका नाम आया था आप वो भी कर सकते हो, मतलब आपका कुछ भी पेंडिंग है, आपको करेक्शन करना है, कुछ चेंजेस करना है, कुछ गलती हो गई रही है आपके फॉर्म भरने में, तो सारी की सारी चीज आपका 26 नवंबर से लेके 1 दिसंबर, जरा टाइम पे ध्यान देना, मतलब रात के 11 बजे तक, मतलब 11:55, मतलब उस दिन पूरा है, वो पूरा दिन आप कर सकते हो। और 26 से आप स्टार्ट कर सकते हो 5 PM, मतलब शाम के 5 बजे से आप अपना ये सब प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। पार्ट टू है, पार्ट वन दोनों की दोनों। नोट, इन व्यू ऑफ डिलेड एडमिशन प्रोसेस ड्यू टू द स्टे ऑफ सेम रिजर्वेशन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो रोका गया था बिकॉज ऑफ वो रीजन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब 2 से 2 तारीख किसके लिए दिया गया है, देखो 2 तारीख एडिशनल टाइम फॉर वेरिफिकेशन पार्ट वन, अगर आपका कुछ पार्ट वन का वेरिफिकेशन बाकी है, पेंडिंग है, तो आप अपने स्कूल में जाके, गाइडेंस सेंटर में जाके आप वो करवा या अदर बोर्ड के लिए, ठीक है। देन 3rd दिसंबर से लेके 4th दिसंबर टाइम रिजर्व फॉर डेटा प्रोसेसिंग, अब ये ऑडिटिंग करेंगे कॉलेज वाले या जिनको एडमिशन प्रोसेस करना होगा, ये डेट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब 3 और 4 में आपका देखा जाएगा कि कौन सी कॉलेज में आपको एलोकेट करना होगा, ये डिसाइड करेंगे वही कॉलेज वाले, ठीक है। देन 5th दिसंबर 11 AM, जरा ध्यान से सुनना है, लिस्ट कब लगने वाली है, 5th दिसंबर 11 AM डिस्प्ले ऑफ जूनियर कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट। राउंड सेकंड की लिस्ट जो लगने वाली है स्टूडेंट्स 5th दिसंबर को लगेगी, आपका कॉलेज का नाम आ जाएगा, आप अपनी लॉगिन आईडी के थ्रू क्या कर सकते हो, या तो आपको SMS भी आ जाएगा, ठीक है, उसके थ्रू आप अपना चेक कर लेना आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई। अब 5 तारीख 11, मतलब सुबह 11:30 बजे से लेके 11:30 AM टू 9 दिसंबर, मतलब 9th दिसंबर 11:05 PM तक आप जाके अपने कॉलेज में कंफर्मेशन कर लेना। एक बार ध्यान से सुनना, अगर आपका कहीं भी नाम आता है तो आपको कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, ठीक है, जरा ध्यान से सुनना। 5th दिसंबर से लेके 9th दिसंबर, मतलब आपके पास में 4 दिन ही हो गए, ज्यादा दिन ही नहीं। देन 9 दिसंबर और जो 10 दिसंबर में वो कॉलेज वाले अपलोड कर देंगे आपका फाइनल डिक्लेरेशन, वो अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करेगी, मतलब 10 तारीख को फिर से कॉलेज अपनी वैकेंसी निकालेगी, भैया अभी भी इतनी कॉलेज में वैकेंसी रखी है, मतलब अगर आपको एडमिशन लेना है वो कॉलेज में, देखना है कि भैया कॉलेज में वैकेंसी है कि नहीं, 10 दिसंबर को वो 3rd रेगुलर के स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम टेबल है आपके लिए, सो आई होप सारा के सारा डाउट्स और इंतजार आपका खत्म हो गया रहेगा। अगर उसके बाद में भी आपको कुछ डाउट है रिलेटेड टू द FIJC एडमिशन को लेके, तो आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए, कोशिश करेगी हमारी टीम आपको जरूर से जरूर रिप्लाई कर सके। उसके बाद भी आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज नंबर पे भी कॉल मैसेज कर सकते हो और अपना डाउट्स क्लियर करवा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहेगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना और जितना भी हो सके अपने दोस्तों के साथ में, फ्रेंड के साथ में शेयर करो।
और अगर आप चैनल पे न्यू हो फ्रेंड्स तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय। जय हिंद।